मैकडॉनल्ड्स ने इसराइली फौज को मुफ्त खाना फराहम किया, सच्चाई सामने आ गई। सोशल मीडिया पर बाइकॉट मैकडॉनल्ड्स का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा। आलमी शोहरत याफ्ता फूड चेन ने वजाहत जारी कर दी। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान खबर सामने आई कि मैकडॉनल्ड्स ने इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना फराहम करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ तस्वीर भी सामने आई, जिसके बाद मैकडॉनल्ड्स को पाकिस्तान में भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और बाइकॉट मैकडॉनल्ड्स का मुतालबा होने लगा। सवाल उठने लगा कि क्या मैकडॉनल्ड्स ने इसराइली फौजियों को वाकई ही मुफ्त मील दिया या ये सब फेक न्यूज हैं? असल हकीकत कैपिटल टीवी सामने ले आया। मैकडॉनल्ड्स की जानिब से ये ऐलान बिल्कुल सच है, मगर ऐसा सिर्फ मैकडॉनल्ड्स इसराइल में किया जा रहा है, जबकि दीगर ममालिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने भी इस हवाले से वजाहती बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनका इसराइल मैकडॉनल्ड्स से कोई लेना देना नहीं। इसराइली मैकडॉनल्ड्स की जानिब से फौज को सर्विस देना उनका जाती इकदाम है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान किसी सियासत में शामिल नहीं, अपने फैसले लेने में खुद मुख्तार और आज़ाद हैं, क्योंकि हमारा अवाम से रिश्ता प्यार और एतमाद का है।